व्हाट्स अप देसी रैप न्यूज लिसनर्स, कैसी हो यार आप सब लोग। तो आज की फर्स्ट अपडेट बेला की साइड से है। तो बेला ने कल अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज लगाई थी। बेला ने अपनी स्टोरी में लिखा, अब उखाड़ लो जो उखाड़ सको, वन डे 50K ऑन एस्ट्रो वर्ल्ड, बिग सक्सेस राइट, अनफॉलोइंग एवरीवन, इतनी सी स्पोर्ट को भी जी में ले लो, जो रही सीधी बात, यू डिजर्व एस्ट्रो, तू खोने लगा है तो खोने दे, तेरे पीछे पूरी दुनिया को रोने दे। तो बेला अभी काफ़ी सारे आर्टिस्ट को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर चुके हैं, इवन के बेला ने रफ्तार को भी अनफॉलो कर दिया है। और बेला ने इंस्टाग्राम के ऊपर अभी सिर्फ इक्का और शाटिसा के अलावा कुछ ही लोगों को फॉलो किया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट मुफाड़ की तरफ से आ रही है। तो आप लोगों को पता होगा कि मुफाड़ कल रात लोका के साथ इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे। तो इसके अलावा मुफाड़ ने एक और लाइव सेशन किया था, तो उस लाइव सेशन का थोड़ा सा पार्ट आप लोग यहाँ पे देख लो। वही कि मतलब अभी यूनिटी के अभी लोग इतनी बात करें, मतलब कि जैसे अभी रफ्तार जहन ने कुछ ये साथ में आ गए तो लोग उनसे ये इतना टॉक्सिसिटी ये करने लग गए कि आपने दोस्ती क्यों कर ली। तो वैसे ही अगर आपको आपको लगता है कि अगर आपने किसी आपके दुश्मन के दोस्ती की तो लोग ऐसा बोले कि तो आप फेस कर पाओगे उसे? यार दोस्त देखो, दोस्तों से दुश्मनी नहीं होती और दुश्मनों से दोस्ती नहीं होती, पहली चीज। और मेरा कोई ना दोस्त है ना दुश्मन है इनमें से, है ना। तो मेरा कुछ ना बोलना बनता ना कुछ रिएक्ट करना बनता किसी चीज पे। दूसरा ये, मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूँ आप सभी लोगों को ना, कि बिफोर बीइंग अ रैपर आई एम अ म्यूजिशियन। जो बाकी रैपर्स का नहीं आता वो मुझे आता है, तो वो मेरी पोटेंशियल है। लाइक इट इज नॉट समथिंग टू ब्रैग अबाउट, बट दिस इज व्हाट आई हैव वर्कड लाइक हार्ड फॉर, है ना, कि इसी चीज के लिए मैंने हार्ड वर्क किया है। तो मैं ना, मेरे लिए, मेरे को, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि रैपर लड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना हसल है, ठीक है। अगर आपको, आप कोई अच्छी बात करते हो दुनिया में तो आप अपने लिए आवाज भी उठा सकते हो। रैप म्यूजिक आपके पास इसीलिए ताकि आप एक्सप्रेस कर पाओ अपनी बात को, ना कि आप अपनी बात रख पाओ। तो एवरीथिंग इज गुड ब्रो। अगर जय हिंद वाला या जो भी इनका चल रहा था ना सीन, एक तो मेरे को क्लैरिटी नहीं है कि क्या चीज है क्या नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा यार, है ना। एक क्वेश्चन खाली, एक क्वेश्चन, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड एमिवे कोलैबोरेशन? लाइक इट विल बी अ कमर्शियल बैंगर और इट विल बी अ बैंगर? लाइक दिल्ली में बोलते हैं चूता टाइप का बैंगर, दिल्ली में बोलते हैं चूता टाइप का बैंगर। बहुत लोगों को झटके लगेंगे उस गाने में, मतलब अच्छा होगा गाना, काफी अच्छा होगा, सरप्राइज। आपकी जो पिछली बार बीफ हुई थी कृष्णा सर के साथ, उससे आपका बीफ पर्सोना बहुत बाहर आ गया था, अब आपने वो सब बंद तो कर दिया, पर इन फ्यूचर अगर आपको वापस बीफ में इंडल्ज होना पड़ा तो हमें वापस से वो मुफाड़ देखने मिलेगा? जरूरत पड़े, देखो काम वो करना चाहिए इसकी जरूरत पड़े। जब मुझे प्यार होता है तो मैं बहुत प्यारी बातें करता हूँ, जब मुझे गुस्सा होता है तो मैं गुस्से वाली बातें करता हूँ, एंड दिस इज हाउ आई एम बीइंग ट्रू टू माय सेल्फ। तो काम में जिसकी मेहनत पूरी होगी वो बंदा हमेशा एक अच्छे जवाब के साथ वापस आ पाएगा, चाहे वो बीफ हो या कुछ भी हो, कुछ एक्सप्रेस करना हो, है ना। Yes. Yes. और एक और सवाल था सर, बहुत से लोग आपने देखा ही होगा कृष्णा सर और आपका कोलैब देखना चाहते थे हमेशा से, तो पता नहीं ये बीफ और झगड़ा खत्म हो सकता है? ऐसे नहीं होता ब्रो। ओके देखो एक चीज सुनना मेरी बात, अगर मैं आपके घर की बातों में या किसी भी आपके पर्सनल मैटर में मैं आके आपको सलाह दूं और बोलूं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो फिर मैं भी तो इंसान हूं ब्रो। सिंपल है, लाइक देखो मेरे म्यूजिक के लिए सब लोग मेरे पास आए हैं, मेरे गाने सुन के आए हो तो अच्छी बात है ना मेरे लिए, बट मैं भी नहीं चाहूंगा ना यार कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं और दुनिया उसके बारे में वो करे, है ना। तो नेक्स्ट अपडेट चैन के की तरफ से आ रही है। तो चैन के ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे राहबरी नाम से एक पेज स्टार्ट किया है, और उसी के बारे में बात करते हुए चैन के ने एक स्टोरी भी लगाई थी। अस्सलाम वालेकुम, यार मैंने एक पेज बनाया, जाके फौरन उसको फॉलो करो, उसे ये लेटेस्ट पोस्ट में भी स्टोरी में भी है, गो फॉलो इट गाइस, और मैं बाकी अपडेट्स दूंगा लेकिन एक गाने के बाद। तो यार आप लोग वेट करो, चैन के जैसे इसकी कोई अपडेट देंगे तो आप लोगों को भी अपडेट मिली जाएगी। और यार राज होंस ने कल अपने इंस्टाग्राम पे सीधे मौत के साथ कुछ ऐसी स्टोरी लगाई हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं अपकमिंग ट्रैक्स के बारे में। तो फादी का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नेम होगा याद तेरी, और ये होने वाला है आदि फीचरिंग फादी। तो ट्रैक की अभी तक डेट तो पता नहीं चली, लेकिन ट्रैक जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और कल को फतेह डीओई का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नेम होगा वन एंड ओनली। तो ये ट्रैक कल सुबह 10 बजे रिलीज हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं रिलीज ट्रैक के बारे में। तो लोका की ईपी मस्ती नहीं बाई से का फर्स्ट ट्रैक रापचिक आज सुबह ड्रॉप हो चुका है।
तो आप लोग इसे जाके चेकआउट कर सकती हो। और जे हिंद का लीदा एच के साथ ट्रैक ड्रॉप हो चुका है जिसका नेम था कैम्ब्रो। तो नेक्स्ट ट्रैक है रैप आईडी का, ट्रैक के नेम है हाई विद यू। और यार आप लोगों को पता होगा कि काफी टाइम पहले रेबल 7 का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे एक ट्रैक ड्रॉप हुआ था जिसका नेम था ड्रिल बाजी। तो इसका म्यूजिक वीडियो कल यूट्यूब पे ड्रॉप हो चुका है, तो आप लोग इसे भी जाके चेकआउट कर सकती हो। तो बस यार अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।